शिरडी साहब, असेंबली इंतखाबात इलेक्शन को देख रहे हैं आप, इंद्रवाल कांचन के अड़ताली में आप खड़े हो चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि जीएम सरोड़ी ने कोई तमीरी तरक्की नहीं की है, तो इसको आप क्या देख रहे हैं? आपने भी लोगों के सामने सुना कि जितना मैंने किया, आज इंद्रवाल में 80% कनेक्टिविटी है। अगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से इसको तजिया किया जाए, वहाँ 60% से ज़्यादा नहीं। यही पता चलता है कि मैंने किया कुछ कुछ नहीं। यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखा जाए, यहाँ का जो स्कूलों की तामीर हुई है, यहाँ जो स्कूल मैंने दिए हैं, यहाँ जो अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल दिए हैं, यहाँ मड़वा में एक स्कूल है और वड़वन में एक स्कूल है, दो ब्लाकों में। यहाँ आपने मुगल मैदान में देखा, कुछाल में एक हायर सेकेंडरी, मुगल मैदान में दूसरा हायर सेकेंडरी, यहाँ द्रुबीर में हाई स्कूल, यहाँ मुगल मैदान ये जो सिगदी में हाई स्कूल, इतने क्वाठ में हाई स्कूल, इतने एरियाज में इतने हाई स्कूल, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, हॉस्पिटल, पैरामेडिकल स्टाफ, और उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म। देखिए आप, मुगल मैदान आज पूरा किश्तवाड़ छा के किश्तवाड़ मुगल मैदान में होता है। लगभग 200 से 250 गाड़ियाँ मुगल मैदान में। आज कम से कम वाटर बॉडी जो हमने बनाई छात्रों में, टूरिस्ट हब बनाया है हमने छात्रों में, मुगल मैदान में भी और छात्रों में, दोनों जगहों पर। और इसमें आप देखते हैं पूरा किश्तवाड़ नहीं बल्कि चुनाव वैली के लोग जो यहाँ देखने को आते हैं। अगर कुछ किया है तभी बाहर के लोग आके यहाँ देखते हैं। आप मैदान में बेहम है टूरिज्म, जी वहाँ पे बिल्डिंग बनाई। आप चिड़गांव में देखिए, वहाँ टूरिज्म की बिल्डिंग मैंने बनाई, 4-5 बिल्डिंगें मैंने छात्रों में बनाई, 6 बिल्डिंगें मैंने मुगल मैदान में बनाई। आप देखिए वाटर सप्लाई स्कीम हर गाँव में, बिजली हर गाँव में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। हाँ, जहाँ पे मैंने 2014 में ये काम करके छोड़ा उसके बाद जीरो है, वो मेरे जिम्मे तो नहीं लगा। 10 साल का वक्फा जो है वो बीजेपी का रहा, बेमिसाल रहा। मैं कहूँगा ये खस्ताहाल ही खस्ताहाल और सारा काम दरहम भरा, वो मेरे सर नहीं लग सकता है, ये उनको पूछे, उनको जवाब दीजिए। शुक्रिया।